डोईवाला में हरेला पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान कार्यक्रम में नवनिर्मित तहसील भवन के प्रांगण में उप जिला अधिकारी के साथ मिलकर उद्यान अधिकारी ने पौधारोपण किया। उत्तराखंड के डोईवाला में हरेला पर्व के अवसर पर पर्यावरण को लेकर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में उप जिला अधिकारी ने पौधों के महत्व के बारे में बताते हुए प्रत्येक व्यक्ति को पौधारोपण करने की अपील की। साथ ही कहा कि तहसील में नवनिर्मित भवन में पौधारोपण होने से जहां पर्यावरण को बेहतर बनाया जा सकेगा, तो वहीं तहसील में आने वाले फरियादियों को छाया भी मिल सकेगी। हमने 51 पौधे यहां पर लगाने का संकल्प लिया है, क्योंकि बड़ा शुभ अंक है और हम चाहते हैं कि नया भवन है तो ऐसे ही अंकों से हम करें। तो 51 पौधे आज हम यहाँ पर लगा रहे हैं और आने वाले दिनों में यहाँ पर तहसील भवन संचालित होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यालय, जैसे सब लोग जानते हैं, ये पौधे रहेंगे तो फरियादी आएंगे, उनके लिए छाया देंगे और फल देंगे, तो बहुत यादगार दिन आज का होने वाला है। उद्यान अधिकारी श्वेता चौहान ने बताया कि हरेला पर्व के मौके पर उद्यान विभाग ने डोईवाला क्षेत्र में 7,000 फलदार पौधों का निःशुल्क वितरण किया है और साथ ही लोगों से अधिक पौधे लगाए जाने की अपील की है। उद्यान विभाग की ओर से हरेला दिवस के अवसर पर निःशुल्क फल पौध वितरण किया जाता है, जिसमें हमने उद्यान सचल दल केंद्र डोईवाला के द्वारा 7,000 फल पौध विभिन्न ग्राम सभाओं में फल पौध वितरित किए हैं, जिसमें हम एक व्यक्ति को 3 फल पौध देते हैं कि भले ही वो एक वृक्ष लगाएं लेकिन उसका पूरा ध्यान रखें, उसका अच्छे से संरक्षण करें। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।